सो आज BGIS में कौन से टीम्स का मैचेस होने वाला है, फिर कार्निवल गेमिंग एंड जो टीम्स यहाँ पे रिवील नहीं हुई है वो होगा, कब होगा, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल का ग्रुप्स का क्या रहा रिजल्ट। तो देख सकते हो ग्रुप थ्री का स्टैंडिंग्स, TMG eSports कल बढ़िया खेले थे, फिर वोल्टेक्स गेमिंग, मार्कस बैटल जो मोस्टली अभी अंडरडॉग टीम्स ने परफॉर्म किया था, फिर यू डॉग है, फिर आदि योगी, पॉपकॉर्न, ट्रॉय तमिलन, ट्राइबल eSports। एंड सेकेंड चार्ट देखोगे तो यहाँ पे कुछ T1 टीम्स थी, जैसे टीम इनसेन, टीम जीरो स्काउट की टीम, कैमिन eSports, आर eSports। सो सारे के सारे T1 टीम्स बॉटम पे रही, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, कुछ इशूज था वो आगे बताता हूँ। फिर ग्रुप फोर जो बाकी तीन मैच हुआ जिसमें मार्कस गेमिंग टॉप पे रहे, फिर टीम फॉरएवर भाई क्या खेले ये लोग, फिर टीम INS बढ़िया परफॉर्म किए, इवोल्यूशन मिजोरम, एक्स नॉर, एक्स स्पार्क उतना अच्छा गेम नहीं गया बट फिर भी थोड़ा बोल सकते हो 20 points। तो अब देखते हैं क्या होगा, आगे क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं। फिर बाकी टीम्स देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट जिसमें मयूर गेमिंग है, बाकी टीम्स है, सो ये जो टीम्स है ये यहाँ पे अब शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, टॉप 64 में शायद नहीं आ पाएंगे। एंड अभी तक का यहाँ पे जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स है टॉप 64 टीम्स वो भी यहाँ पे देख ही सकते हो। खैर यहाँ पे बात करें कल क्या इशूज आया था, तो देख सकते हो कुछ यहाँ पे एक्स स्पार्क और जीरो, टीम जीरो में कुछ इशूज हुआ था, हैवी टेक्निकल इशूज टूडे, इंटरनेट कीप कैप्ट फ्लक्चुएटिंग एंड अनफॉर्चुनेटली टीम जीरो माइट नॉट रीच द नेक्स्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट, दिस इज नॉट द एंड दो, वी विल ट्राई अवर बेस्ट एंड कम बैक फ्रॉम द इन गेम क्वालिफायर नाउ, अपोलॉजीज फ्रॉम द टीम। मतलब टीम जीरो का परफॉर्मेंस नहीं रहा, अच्छा नहीं किया, मतलब सर्वर का कुछ इशूज आया था, सो इसलिए अब शायद वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग इन गेम क्वालिफायर से ट्राई करेंगे। एंड टीम एक्स स्पार्क का भी ये कुछ इशूज हुआ था, आप लोग शायद मैचेस देखे होंगे, तो उनका भी यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, कुछ नेटवर्क का इशू रहा था। अब ये एग्जैक्ट नेटवर्क का खुद का इशू रहा या फिर सर्वर का एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि भाई आपको पता होगा अभी यहाँ पे गेम में कुछ दिनों से सर्वर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और बहुत सारे लोग तो अभी इन गेम क्वालिफायर खेल रहे हैं तो वो लोग का सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब गेम ऑटोमेटिक क्रैश कर जा रहा है, लॉबी में भेज दे रहा है। कमेंट में बताना कौन कौन ऐसा फेस कर रहा है। सो होप करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि भाई अभी भी बहुत सारे टीम्स का मैचेस बचा हुआ है, अगर ये इशूज आ गया तो परफॉर्मेंस तो डाउन जाएगा। एंड अब बात करते हैं आज कौन सी टीम्स का मैचेस होगा, तो पहले ग्रुप फाइव, सो टीम UP50, टीम मलयालम, फिर फ्लाई eSports, कुछ अंडरडॉग टीम्स हैं, फ्लैंकर eSports है, ब्लैक लिस्ट है, टीम 7 सिग्नेचर, लखनऊ जाइंट्स एक T1 टीम, रॉ ऑफिशियल्स है, 4 एंग्री मैन है, सो 2 से 3 T1 टीम्स है मोस्टली। सो ये लोग का शुरू का 3 मैच होगा, एंड बाकी का 3 मैच देख सकते हो ग्रुप 6, डेटोनेशन गेमिंग, मस्ती जोन गेमिंग, फिर ग्लिचेक्स रिबॉन, न्यूमैन गेमिंग, रैकनिंग eSports, LOC eSports, भाई सेल्सियस eSports भी है, ऑर्गलेस 5 भी है, ये टीम में यहाँ पे मजा आने वाला है, और 5 फिल्टर eSports। सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी टीम्स है, नामी टीम्स बोल सकते हो, सो ये बाकी का 3 मैच होगा तो मज़ा आने वाला है। खैर 3 मैच चलेगा एंड फिर कल यहाँ पे बाकी टीम्स का मैचेस होगा, कल फाइनल डे होगा वीक 3 का, उसके बाद वीक 4 चालू होगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि कार्निवल गेमिंग का क्या होगा, तो देखो मैंने बताया कि जो भी टीम्स का इस वीक मैचेस नहीं हुआ है, अनाउंस नहीं हुआ है, वो लोग का नेक्स्ट वीक मतलब वीक 4 जो कि फाइनल वीक होगा उसमें होने वाला है, तो चिंता मत करो भाई, जो भी टीम्स आप लोग नहीं देख रहे हो अभी तक, जैसे गॉडलाइक, ग्लोबल eSports, कार्निवल गेमिंग, 8bit भी है शायद, सो वो सभी टीम्स का नेक्स्ट वीक होगा ही। एंड उसी के साथ एक और जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, OS eSports का जो ये टूर्नामेंट है जो कि मैंने कल बताया था, कुछ टीम्स रिवील हुआ था और फिर से यहाँ पे कुछ और इन्वाइटेड टीम्स रिवील हो चुका है, देख सकते हो कार्निवल है, फॉरएवर टीम फॉरएवर, फिर WSB, ब्लाइंड, गुजरात टाइगर, हाइड्रा, सो जो भी टीम्स हैं वो यहाँ मैं दिखा दिया हूँ, और भी कुछ टीम्स है जो कि यहाँ पे रिवील होगा धीरे धीरे, क्योंकि भाई मंडे से ये चालू होने वाला है। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, जो मुझे बताना था ये डिटेल्स के बारे में, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।